फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंजल गार्डन। इस वीडियो में आपको ये जो आप देख रहे हैं मिराबिलिस जलापा प्लांट है, ये इनको 4 o'clock भी बोलते हैं, तो आज इसी पे बात होगी। तो आज का टॉपिक है इस प्लांट पे, तो फ्रेंड्स बने रहिए और पूरी वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो देखिए, एक ही बार मैं ये प्लांट लाई थी और एक ही प्लांट से मेरे बहुत सारे प्लांट तैयार हुए हैं और हर साल अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। हाँ, किसी भी गमले में ग्रो हो जाते हैं, इनके जो सीड्स हैं गिरते रहते हैं तो किसी भी गमलों में ग्रो हो जाते हैं। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है और इनको इनकी ज़्यादा केयर भी करनी पड़ती है। इनको आप फुल सन में रख सकते हैं और इन्हें आप हाफ डे सन में भी रख सकते हैं, जहाँ पे 1 घंटा 2 घंटे की धूप लगेंगे वहाँ पे भी ये प्लांट रह सकते हैं, और फुल सन में रखेंगे तो भी पे ये प्लांट रह जाएंगे। इनकी केयर मैंने बताया कि कुछ भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मैं कोई केयर नहीं करती इन सभी प्लांट की, क्योंकि और भी सारे प्लांट हैं और ये हर पॉट में ग्रो हो जाते हैं तो मैं कभी कभार निकाल के फेंक भी देती हूँ, बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं तो। और कलर वैरायटीज़ भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग कलर मिल जाएंगे। मेरे यहाँ 2 ही कलर मिलते हैं, एक येलो मिलते हैं और एक आप पिंक कलर देख रहे हैं वो मिलते हैं, बस यही दो कलर मैं देखी हूँ अपने नर्सरी में। अगर और भी कलर होते तो मैं ज़रूर ग्रो करती, यहाँ पे मेरे यहाँ नहीं मिल रहे हैं। तो आपके यहाँ और भी कलर होंगे तो आप लगाइए, बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावर प्लांट है, ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है और आपके गार्डन में ये हमेशा ही बने रहेंगे। एक बार आप लगा देंगे तो हमेशा ही ये बने रहते हैं। और ये प्लांट आप गमले में लगाइए या फिर ज़मीन पर लगाइए, दोनों जगह ही ये बुशी प्लांट हो जाते हैं और बहुत सारे फ्लावर देते हैं। अगर आप पॉट में लगाते हैं तो वेलरन सॉइल में लगाइए, भुरभुरी मिट्टी तैयार करके तब लगाइए। एक हिस्सा मिट्टी लीजिए और 1.5 हिस्से में खाद और आधे हिस्से में रिवर सैंड, जिन्हें रेत कहते हैं, बालू कहते हैं। और जो खाद है, खाद में आप वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, थोड़े से नीम खली, ये सभी मिला करके आप अच्छे से भुरभुरी मिट्टी तैयार करके तब इनको लगा दीजिए, तो ये हमेशा ही बने रहते हैं। और देखिए, प्लांट की हालत 1 साल बाद ऐसी हो जाती है जिनमें पत्तियां छोटी पड़ जाते हैं और फ्लावर थोड़े कम आने लगते हैं, स्टेम थोड़ा मैच्योर दिखने लगते हैं, तो आप कटिंग भी कर सकते हैं, तो नीचे से नए नए ब्रांचेस निकल आते हैं। और फर्टिलाइज़र आप इन्हें महीने में या 20-25 दिन में आप दे सकते हैं, नीम खली, सरसों की खली का लिक्विड तैयार करके दे सकते हैं और गोबर की खाद 1-2 मुट्ठी दे सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट दीजिए। जो भी खाद आप देते हो महीने में या 15-20 दिन में आप दे सकते हैं। और ऊपर से ये प्लांट अगर ख़राब भी हो जाते हैं तो नीचे मिट्टी के अंदर, गमलों की जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर कंद रहते हैं, उन्हीं में से फिर से स्प्राउटिंग आ जाते हैं, मिट्टी के अंदर से फिर से प्लांट निकल आते हैं। और गर्मियों में आप डेली ही वाटरिंग कीजिए, इनको डेली पानी दीजिए। सर्दियों में आप सॉइल को चेक करके दीजिए, हल्की सी मिट्टी सूखे तभी आप पानी दीजिए। किसी भी प्लांट को पानी आप देते हैं तो सॉइल को चेक कर लीजिए, हल्की गमलों की हल्की सी मिट्टी सूख जाए तभी आप पानी दीजिए। और कभी कभार इनमें मिली बग भी लग जाते हैं, चींटी वगैरह लगते हैं, तो उसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। नीम ऑयल घर में कैसे तैयार करेंगे उस पर मेरा वीडियो है मेरे चैनल में, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, इजली घर में ही तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।